अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं बनाने के लिए लाई हूँ बड़ी स्वीट डिश और बड़ी टेस्टी यमी और दिलकश देखने में। तो शाही टुकड़ा इसे कहते हैं। शाही टुकड़े के लिए हमें दरकार होना चाहिए ऑयल, देसी ऑयल, घी, ऑयल नहीं बिल्कुल सॉरी देसी घी होना चाहिए। उसके लिए दूध होनी चाहिए। दूध ही हमने ले लिया और इसको मज़ीद आधे घंटे हमने पकाया और बहुत थिक हो गया ये, ताकि हमारा जल्दी ये काम हो। और इसमें से एक्चुअली हमें बलाई भी निकालनी थी, क्योंकि हम इसको डेकोरेट जब करेंगे तो उसमें ये बलाई हमने पका के निकाली है। तो इसलिए इसमें आगे जो है काम जो है कम है और जल्दी बन जाएगा। और ये दूध हमारा बहुत गाढ़ा हो गया, क्योंकि दूध में थिकनेस होनी चाहिए। अच्छा, ये बलाई हमने निकाल ली। इसके लिए हमने ये डबल रोटी के पीस, शाही टुकड़े के पीस चारों तरफ से उसके काट के और बीच में दो कर लिया मैंने। और उसका ये जो किनारा है, किनारे को हमने फेंकना नहीं, इसको बिल्कुल सुखा लेंगे, ड्राई कर लेंगे और क्रम के काम आएगा, क्योंकि ये ब्रोस्ट वगैरह बनता है तो उसमें हमें चाहिए होता है। इसको ज़ाया नहीं करना है। अच्छा, ये चीनी होगी, क्योंकि इसमें इतना मैंने पकाया है, डेढ़ घंटे तक पकाया है, कि इसमें हम ज़्यादा चीनी डालेंगे तो ओवर हो जाएगी। तो इसमें चीनी मुझे इतनी डालनी है। और एक डेढ़ किलो वो दूध था, दो किलो लिया था एक्चुअली, ये सवा किलो बचा रहा है। ये ज़ाफ़रान है, ये असली ज़ाफ़रान है और बहुत स्मेल वाला है। ये ज़ाफ़रान इसमें डलेगा। ये खोया जो है कंडीशनर है, क्योंकि जब मैं देखूंगी कि इसमें थिकनेस मुझे और लानी है थोड़ी पकाते वक्त, अगर नहीं आएगी तो मैं खोया डालूंगी। खोया डलता है, लेकिन चूंकि मैं दूध को पका के इसमें टेस्ट ला रही हूँ। ये ड्राई फ्रूट है कटा हुआ, पिस्ता और बादाम। ये है चांदी का वरख, ये चांदी का वरख है, ये सजाने के लिए है, डेकोरेट करने के लिए। ये है जर्दे का कलर हल्का सा, और ये अगर देख सकें आप तो ये इलायची पाउडर है। इसको स्टार्ट ले लेते हैं। को डीप फ्राई करेंगे इसको। चीनी चूंकि ये मैंने बना लिया था काफी देर पहले, इसको डेढ़ घंटे पकाया है मैंने इसको, इसमें ये हम शुगर डाल देंगे, क्योंकि ये टाइम इसमें है चीनी डालने का। अच्छा, चीनी डालते हुए एक पिंच ऑफ कलर का डालेंगे। और ये इसमें ज़ाफ़रान, चूंकि असली ज़ाफ़रान है, बहरीन से आया था, ये ज़ाफ़रान है हमने डाल दी। ये खुशबू के लिए काफ़ी है। ये इतनी अच्छी स्मेल है ज़ाफ़रान की, कि इसके बाद इलायची का इसमें कोई बदल नहीं है कि इलायची भी डाली जाए, लेकिन मैं डालूँगी, लेकिन मैं इलायची डालूँगी। इलायची का सफ़ूर ये हमने डाल दिया। वर्स ये बहुत थिक हो गया है। एक्चुअली इसकी जो टेस्ट होता है, इसकी थिकनेस होती है, जिस कदर गाढ़ा होगा वैसे ही आपको टेस्ट आएगा। तो ये बहुत थिक हो गया है ये दूध जो है, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बग़ैर खोए के हुआ है।
और मैं व्यूवर्स को भी बताना चाहूँगी, अगर किसी को खोए की ज़रूरत हो और उसमें दूध में डालना हो कि जल्दी थिक हो जाए, तो हमेशा दानेदार खोया लेना चाहिए। ये देखिए, ये हमने बिल्कुल नहीं डाला क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं, हमने ऑलरेडी पका लिया था दूध, दूध 1.5 घंटे हमने पका लिया था और इसमें बाराई निकाली थी ताकि मैं इसको डेकोरेट कर सकूं। और ये माशाल्लाह बहुत थिक हो गया है, इसको हल्की आंच पे अब मैं छोड़ देती हूँ। इधर मैं देख लेती हूँ ज़रा, इधर मीडियम फ्लेम पर शाही टुकड़ा बहुत टेस्टी हुआ करता है, अगर तवज्जो से बनाया जाए तो इसका टेस्ट बड़ा अच्छा होता है, मिठाई से ज़्यादा अच्छा होता है। ये व्यूअर्स इस कलर में, इस शेप में होना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि देखकर अगर आप डेकोरेट करें या देखने में अच्छी लगे तो खाने का दिल चाहता है, तो अगर कभी सम टाइम ऐसा भी होता है कि बहुत टेस्टी चीज़ है, उसको सही से रखा नहीं गया, उसको डिश आउट नहीं किया गया, तो मैंने लोगों को कहते ये सुना कि भूख नहीं है, मैं भूख नहीं है, मैं खा चुका, तो इंशाल्लाह ताला ये ऐसा बना दें आपके सबको भूख लगे और प्लेट खाली हो जाए। बस ये शाही टुकड़ों के व्यूअर्स, ये इसको ये जो टुकड़े बन गए हैं इनको थोड़ा सा सॉफ्ट करना है, वरना तो फिर ये शाही का नाम ख़त्म होकर सिर्फ टुकड़े आ जाएंगे। इनको सॉफ्ट ज़रूर करना है क्योंकि मैंने कभी कभी अक्सर लोगों को देखा है कि वो डायरेक्ट ऐसे ही बिछा देते हैं उसके, तो वो बड़ा सख्त होता है। क्रंच नहीं रहना, ये अभी इस वक्त लाइक पापा ब्रश पापा, इसको क्रंच नहीं रहना। व्यूअर्स ये जो मावा बना है बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी, क्योंकि इसमें कोई एडिटिव मिलावट नहीं की गई कि खोया वगैरह डलता। Yeah.
बस ये जो इसको फ्राई करके पहले दूध में डुबोया है, इसको इसका ये अमल बहुत ज़रूरी है टेस्ट लाने के लिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बहुत हार्ड टुकड़े से होते हैं, फिर वो नहीं खाए जाते हैं, घर वाले भी मतलब नहीं खा पाते इसको। ये दूध पका के जो बलाई निकली है, 1.5 घंटा हमने बनाया है, पकाया दूध। ये तैयार हो गया व्यूअर्स, ये शाही टुकड़ा इसी रद्दे अमल से बनाया जाए और इसी पे अमल पैरा होके बनाया जाए तो इंशाल्लाह ताला वही टेस्ट मिलेगा जो आप चाहते हैं। ये इसकी थिकनेस देखिए, इसमें कुछ नहीं पड़ा है चूंकि दूध इतना पकाया है, इसकी थिकनेस देखिए, ये दूध है। तैयार हो गया शाही टुकड़ा और टाइम तो गो के टाइम कम लगा है, लेकिन बड़ी तवज्जो के साथ बड़ी मेहनत के साथ बनाए दूध को मैंने एक्स्ट्रा एक आधे 1.5 घंटे मैंने बना लिया था, जो इतना थिक हुआ है, इसमें खोया डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे, ये मुझे अच्छा लगा, खुशी हुई। तो बाकी ये 10 मिनट में बना है, वो दूध जब तैयार हो गया उसके बाद वो फ्राई किया और उसमें डाल दिया। मुश्किल डिश नहीं है, ज़रूर आजमाइएगा और अपना इंजॉय कीजिएगा, और जो नए आने वाले हैं उनसे गुजारिश है कि मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी वीडियोज आगे और पीछे के सब देख पाएँ, और बेल आइकन दबा दें आप ताकि आपको के लिए अच्छी से अच्छी डिश बनाऊं और आप सभी हमारे भाई बहन देख पाएँ। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला, आपसे इजाज़त चाह रही हूँ मैं, अल्लाह निगहबान।